एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं कि पीरियड कम क्यों आते हैं, इसके क्या कारण होते हैं। मेरे पास फ्रेंड्स काफ़ी सारी क्वेरीज इसी से रिलेटेड आती हैं, पीरियड से या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आती हैं। तो जिसको पीरियड कम हो तब भी प्रॉब्लम है, जिसको पीरियड ज़्यादा हो, बार बार पीरियड हो, वो भी प्रॉब्लम है, जिसको पीरियड टाइम पर ना आए ये भी प्रॉब्लम है। तो लड़कियों के लिए प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पीरियड का टाइम पर ना आना या पीरियड का जल्दी हो जाना या फिर पीरियड का 2-3 महीने बाद आना या फिर पीरियड का 1 महीने में 2-3 बार आना, ये सारी प्रॉब्लम काफ़ी सारी लड़कियों को चिंता की बात होती है। तो ब्लीडिंग कम होने के क्या कारण होते हैं, जैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको महीने में जो पीरियड तो होते हैं लेकिन उनको ब्लीडिंग बहुत कम होती है, 1 दिन या 2 दिन ब्लीडिंग होती है, या फिर 1 महीने में नहीं बल्कि 2 महीने बाद उनको ब्लीडिंग होती है, वो भी थोड़ा सा ब्लड आता है। तो उसके क्या कारण होते हैं ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये डिजीज़ ऐसी हो सकती है जिससे आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला होता है थायराइड प्रॉब्लम होने के कारण। थायराइड प्रॉब्लम का मतलब क्या है, हमारे अंदर हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। थायराइड ग्रंथि क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को क्या करती है, कंट्रोल करती है जो हमारी पीरियड साइकिल होती है। तो अगर थायराइड में प्रॉब्लम हो गई या ज़्यादा हो गया या फिर कम हो गया तो इससे हमारा ब्लड क्या होगा, कम आएगा। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण होता है आपका मेनोपॉज के कारण। मेनोपॉज होने की वजह से भी हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको पीरियड कम आते हैं। तीसरा कारण आपका होता है खान पान ठीक ना होने के कारण। अगर आपका खान पान ठीक नहीं है, आपको सही से पोषक तत्व, सारे पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो भी आपको पीरियड कम हो सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 होता है डिप्रेशन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप डिप्रेशन में हैं या आप ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो इस कारण भी आपको पीरियड कम होंगे, यानी कि आपको ब्लीडिंग कम होगी। छठा होता है PCOS के कारण। PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये क्या होती है, सिस्ट बन जाती है, छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है जिसकी वजह से ब्लड मतलब ठीक से फ्लो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लड आपको कम आएगा, तो इसकी वजह से पीरियड आपको कम होंगे। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग कम होती है। तो अगर आपको ऐसा बार बार हो रहा है, हर महीने आपको पीरियड कम आ रहे हैं, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।